हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीएमए फाउंडेशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनपीओ भी बोलते हैं। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, उसका दो कारण। एक, हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ के आए हैं, तो जो हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ के आते हैं तो हम लोगों को ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का नॉलेज होता है, और सेकेंड हम लोगों को एडजस्टमेंट ट्रीट करने आ जाता है, जिस कारण से ये चैप्टर हम लोगों को क्या हो जाता है, बहुत ही सिंपल लगता है, क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट जो सीख के आए हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन रहेगा इस चैप्टर के साथ, कि सर जैसे आप वहां सोचने के लिए बोलते थे वैसे आप यहां भी सोच रहे होते हैं। हम बोले हाँ। दूसरा सवाल, सर अगर दोनों सेम ही है तो फिर अलग अलग क्यों किया गया? हम बोले वो तो चैप्टर का नाम से अब चल जाएगा कि हाँ भाई दोनों में डिफरेंस क्या है मेनली, इसलिए दोनों को अलग करना जरूरी था, और कुछ बातों को लेकर के ये चैप्टर दो कदम आगे बढ़ जाता है पिछले चैप्टर के मुकाबले। जो हम लोग फाइनल अकाउंट में सीखे हैं वो तो 100% यहां अप्लाई होगा ही होगा, उसके अलावा कुछ और नया बात सीखने को भी मिलता है इस चैप्टर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और हम ये मानते हैं कि आप फाइनल अकाउंट पढ़ के आए हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले आपको फाइनल अकाउंट पढ़ना चाहिए फिर एनपीओ आगे करना चाहिए, बिना फाइनल अकाउंट पढ़े एनपीओ नहीं करना चाहिए। दूसरा बात, हम ये भी मान के चल रहे हैं कि आपको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस और अकाउंटिंग थ्योरी, सर अकाउंटिंग थ्योरी हम बोले वही एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ये सारा बात आप पढ़ लिए होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले आपको अकाउंटिंग थ्योरी आना ही चाहिए, तभी तो आप अकाउंटिंग टर्म्स को समझ पाएंगे। तो हम क्योंकि ये सारा चीज पढ़ा चुके हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा कि हाँ सर अकाउंटिंग थ्योरी का, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस का लिंक हम डाल दिए हैं, आप जाइए पहले आप वो सब सीख लीजिए, और अगर आपको आता है तो वेरी गुड, फिर आप आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला सवाल का जवाब दें, क्या होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वैसी संस्थाएं होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, मतलब वो जो काम कर रही है उनसे प्रॉफिट कमाने का उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि फायदा कमाएंगे इस काम को करके। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अपने मेंबर्स को और जो सोसाइटी है उनको सर्विसेज दे फ्री ऑफ कॉस्ट या ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का होता ही नहीं है, वो मेनली सर्विसेज देना चाहती है सोसाइटी को और अपने मेंबर्स को। तो जो सोसाइटी को सर्विसेज देती है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है या फिर इतना निग्लिजिबल चार्जेस होता है कि उस चार्जेस से प्रॉफिट कमाया ही नहीं जा सकता है। तो वैसी संस्थाओं क्या बोलते हैं हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप अपने आस पड़ोस में कई बार देखते होंगे कि सर छोटा मोटा स्कूल खुला हुआ है, कुछ स्कूल चलते हैं जहां पे फीस या तो होता ही नहीं है या फिर होता भी है तो वो इतना कम होता है 20-50 रुपया का कि आपको लगता है कि सर ये तो एज गुड एज फ्री पढ़ा रहा है। बहुत सारे आपको चैरिटेबल हॉस्पिटल्स भी मिल जाते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? हम बोले सर ये सारे जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो सबसे प्राइम क्वेश्चन कि सर इससे पिछला चैप्टर जो फाइनल अकाउंट पढ़े थे वो क्या था? हम बोले वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस करने का? कि प्रॉफिट कमाना है, और जब प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस होता है तो उसके लिए प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को बनाना पड़ता था ट्रेडिंग पीएल और उसका फाइनेंशियल पोजिशन बैलेंस शीट बताता था। लेकिन अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी काम करे तो अकाउंट तो उसका ही बनेगा, जर्नल लेजर तो वही बनाएगा। हम बोले हाँ जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस वही बनाता होगा, लेकिन उसके अलावा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तीन बातों को बनाता है। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो जस्ट लाइक कैश बुक होता है, क्योंकि हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम फायदा कमाते ही नहीं है, हम जो भी सामान बनाते हैं उसको हम ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। तो सवाल उठता है कि सर ये इस तरह की संस्थाओं के पास पैसा कहां से आएगा
संस्थाओं को रन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को रन कैसे करेगा? हम बोले इनका सबसे बड़ा सोर्स होता है डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, मतलब इनको डोनेशन मिलता है, दान मिलता है, चंदा मिलता है, सब्सक्रिप्शन मिलता है, ये लोग चंदा करते हैं। इन लोग के यहाँ पे कभी कभी कुछ प्रोग्राम होगा, सोशल एक्टिविटीज, उसमें ये लोग पैसा मांग लेते हैं कि भाई सोशल एक्टिविटीज में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग आते हैं, उनसे वो लोग फंड रेज कर लेते हैं कि हाँ चलाने के लिए। तो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा जो सोर्स होता है पैसा जनरेट करने का, वो मेनली डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, किसी तरह का सोशल एक्टिविटीज प्रोग्राम हुआ, उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं ये लोग। तो ये लोग क्या बनाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जब हम आपको ये बोले कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए कैश बुक, कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं है, कैश बुक है। अगर आपको कैश बुक याद हो तो कैश बुक का बस दो ही सिंपल रूल था, क्या? कैश बुक सिर्फ कैश और बैंक का बात रिकॉर्ड करता है और उधार का बात रिकॉर्ड नहीं करता है। हम बोले हां। और दूसरा, पैसा जब आता है तो डेबिट साइड में लिखा जाता है और पैसा जब जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अगर कोई ट्रांजेक्शन जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व ना हो, मतलब नॉन कैश ट्रांजेक्शन, कैश बुक में नहीं जाता है। हम बोले सेम रूल है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का भी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक एक कैश बुक है, ये भी कैश बुक की तरह है, ये एक रियल अकाउंट है। मतलब हम बोले सर ये रियल अकाउंट का रूल फॉलो करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो सिर्फ कैश और बैंक वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस को रिसीप्ट पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करता है। हम बोले अच्छा, अगर पैसा आता है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है और पैसा जाता है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इसी बात को यहां पे हम लोग लिखे हैं। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते ही क्यों है? एक्चुअली रिसिप्ट पेमेंट हम लोग बनाते हैं टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये कितना पैसा बच गया है वो निकालने के लिए। तो कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो क्या बनाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट बस एक ही प्रिंसिपल पे बनता है कि अगर कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है तो रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो फिर रिकॉर्ड नहीं होगा, चाहे वो इस साल का बात हो, चाहे पिछले साल का बात हो, चाहे आने वाले साल का बात हो। अगर कैश हमको इस साल मिला है, चाहे वो कैश किसी भी साल से रिलेशन रखता हो, करेंट ईयर से, पास्ट ईयर से या फ्यूचर ईयर से, कैश अगर हमको इस साल मिला है तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, बात ठीक। उधार का बात, मतलब नॉन कैश का बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करता है। और क्यों बनाते हैं? ताकि सर हमको ये पता चले कि कितना रुपया बचा है एनपीओ के पास, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो मेनली ये बनाते टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। हम बोले ओके, इसी बात को यहां पे लिख दिए हम। पैसा जब आता है तो कहां रिकॉर्ड करते हैं? इनफ्लो ऑफ कैश, रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में। और जब पैसा जाता है ऑर्गेनाइजेशन से तो कहां रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड में। आउटफ्लो ऑफ कैश क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, इनफ्लो ऑफ कैश डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आएगा डेबिट में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जाएगा क्रेडिट में, उधार का बात रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसी के साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट का हम फॉर्मेट बनाए हैं, ये है आपका डेबिट साइड और ये क्या है हम लोगों का क्रेडिट साइड। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले क्या लिखे? टू बैलेंस बीडी। ये क्या है सर? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। अगर कैश और बैंक का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो सर वो एसेट्स है, एसेट्स तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, टू बैलेंस बीडी। उसके बाद पैसा आएगा तो डेबिट में, किसी भी नाम से पैसा आ रहा होगा तो उस नाम को यहां लिखेंगे और पैसा लिख देंगे, बोलेंगे हाँ भाई पैसा आया, तो इनफ्लो ऑफ कैश डेबिट में। उसी तरह जिस तरह कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, हम बोले सर बैंक का नेगेटिव बैलेंस भी तो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट अवेलेबल रहा तो ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट कहां लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी की, सर ये एक लायबिलिटी है।
तो ओपनिंग कैश और बैंक रहा तो सर डेबिट साइड का बैलेंस बीडी है और बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड का बैलेंस बीडी है कि सर ओपनिंग बैलेंस आप लिख रहे हैं अगर बैंक पॉजिटिव है तो डेबिट में और अगर नेगेटिव है मतलब ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट में। उसके अलावा आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश का मतलब भाई पैसा खर्चा भी तो हुआ होगा, जहां जहां पैसा खर्चा किए होंगे उसका नाम होगा, जिस जिस चीज पे खर्चा किए होंगे उन सबको यहां लिख लेंगे। और फाइनली पैसा आया पैसा गया, अगर पैसा अधिक आया और कम खर्चा हुआ तो पैसा बच गया, ये है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सर इनफ्लो कम हुआ मतलब मेरे पास पैसा कम आया खर्च अधिक हो गया, तो उस केस में बैलेंस सीडी किधर आएगा क्रेडिट साइड में, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस। बात समझते हैं आप मेरा? तो ये हुआ हम लोगों का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बात कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स और बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। हम बोले बिल्कुल, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर इनफ्लो ऑफ कैश पैसा आता है तो डेबिट में, आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट द बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। वही बात लिखे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। आपको मेनली क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए ही बनाते हैं, लेकिन मैथमेटिकली तो कुछ भी पॉसिबल है। कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, वो क्लोजिंग का बैलेंस बता देगा, बाकी सारा ट्रांजेक्शन इनफ्लो आउटफ्लो बताएगा, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लेंगे ओपनिंग बैलेंस। या फिर कभी ऐसा होगा कि सर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इनफ्लो आउटफ्लो बता दिया है और बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा हम लोग का, बैलेंस सीडी। और कभी कभी तो क्या होगा, ये दोनों दे देगा और बोलेगा बना के दिखाओ। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का बैलेंस दे देगा तो ये अपने आप मैच कर जाना चाहिए, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आना चाहिए। तो ये हुआ हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कि जिसके अंदर डेबिट साइड में पैसे का आना रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में पैसे का जाना रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है? हम बोले बिल्कुल हो सकता है। अगर कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा तो बैलेंस बीडी लिखा जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस सीडी लिखा जाएगा। तो ये बात हम लोग लिख लिए कि सर बैलेंस बीडी डेबिट में भी हो सकता है क्रेडिट में भी हो सकता है। डेबिट का मतलब हम बोले सर मेरे पास पॉजिटिव है पैसा, और अगर क्रेडिट में बैलेंस बीडी है मतलब वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, मेरा पैसा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो मेरे लिए लायबिलिटी बन गया है वो। उसी तरह बैलेंस सीडी अगर क्रेडिट साइड में आया तो सर ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इतना पैसा बिजनेस के पास बचा हुआ है। लेकिन अगर बैलेंस सीडी डेबिट साइड आया जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब होता है बिजनेस के पास अपना कोई पैसा नहीं है, उल्टा बाहर का पैसा वो यूज कर रहा है, बैंक का पैसा यूज कर रहा है जो बैंक बाद में उससे वापस भी मांगेगा। तो ये हुआ हम लोग का बात रिसिप्ट एंड पेमेंट पे। हम लोग एक बात पढ़ लिए, ये सबसे सिंपल बात था। ध्यान रखिएगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाने के समय अक्रूअल बेसिस फॉलो नहीं होता है, कैश बेसिस फॉलो होता है। कैश बेसिस का मतलब पैसा का आना और पैसा का जाना, ना हमको इस बात से मतलब है कि वो किस पीरियड से का चीज है जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है। अगर पैसा इस पीरियड में आएगा जिस अकाउंटिंग ईयर का हम लोग बना रहे हैं सवाल, अगर उस अकाउंटिंग ईयर में पैसा आया तो रिसिप्ट पेमेंट रिकॉर्ड करेगा, और अगर पैसा उस अकाउंटिंग ईयर से गया चाहे वो किसी भी साल का हो तो सर इस साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम लोग को ये नहीं सोचना होता है रिसिप्ट पेमेंट बनाने के समय कि सर रेवेन्यू ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि कैपिटल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारा तरह का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, बस शर्त ये है कि वो ट्रांजेक्शन कैश में होना चाहिए। ठीक बात, आप इसको लिखेंगे बुक में, हम लोग के पास एक सवाल है उसको सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 की ओर चलो। वहां लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बोल रहा है कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे क्या बना के दिखाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम लोग क्या सीखे हैं रिसिप्ट पेमेंट कैसे बनता है? सिंपल सा रूल है सर, पैसा आएगा डेबिट में, पैसा जाएगा क्रेडिट में। अगर कोई ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होगा तो सर वो ट्रांजेक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड होगा भी नहीं,
क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है वो कैश बेसिस पे बनता है, अक्रूअल बेसिस पे नहीं बनता है। चलो शुरू करें। सबसे पहले लिखा हुआ है कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये क्या है? सर ये ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, 2000 कैश में और 6000 बैंक में। वही अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया रहता तो बाय बैलेंस बीडी, बैंक ओडी लिख देते। उसके बाद अगला नाम पढ़ो, सब्सक्रिप्शन, चंदा। सर चंदा दे रहे हैं कि ले रहे हैं? हम बोले दोस्त ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे सोच रहे हैं। आप ध्यान सोचो, हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो चंदा क्या चांसेस है, लेने का कि देने का? हम बोले सर ऑफ कोर्स लेने का। अगर हम खुद ही दान पे भरोसा, विश्वास पे जिंदा है कि कोई दान देगा तो चलेंगे, तो चंदा जो है सब्सक्रिप्शन जो है ऑफ कोर्स वो हम ले रहे होंगे। देने के समय वो लिखा रहेगा सब्सक्रिप्शन गिवन, तब हम बोलेंगे सर पेमेंट कर रहे हैं। तो फिलहाल तो सर ये पैसा आया, टू सब्सक्रिप्शन इनफ्लो है ये। कितने अमाउंट का? 3000। आगे बढ़िए, डोनेशन रिसीव, पैसा फिर आया। डोनेशन कितने का? 2400। लिखा है फर्नीचर परचेज, खरीदे, तो सर पैसा गया बाय फर्नीचर। अमाउंट 1600। जर्नल एक्सपेंस, सर फिर से पैसा गया। अमाउंट 1000। पोस्टेज, पैसा फिर गया। तो सर पैसा जाएगा तो क्रेडिट में, आएगा तो डेबिट में। पोस्टेज 400। अगला नाम स्टेशनरी, सर पैसा फिर गया। कितने का? 600। नेक्स्ट लॉकर रेंट रिसीव्ड, देख रहे हैं लिखा हुआ है लॉकर रेंट रिसीव, तो पैसा आया। अमाउंट 1800। ऑफिस एक्सपेंस, पैसा गया। अमाउंट 800। फिर लिखा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये क्या है? बैलेंस सीडी। सर आप तो बोले थे ये निकालना पड़ता है, हम बोले दोस्त निकालना पड़ेगा, ओपनिंग के समय कैश और बैंक दोनों था, क्लोजिंग में सिर्फ कैश है, मतलब क्या गायब है? बैंक। तो बैंक हम लोग को निकालना होगा। चलिए जोड़ा जाए और देखा जाए कितना रुपया कौन साइड बड़ा है। अगर मान लो मेरा डेबिट साइड का पैसा अधिक है तो बैंक आ गया, और अगर क्रेडिट साइड अधिक रहा तो बैंक किधर आएगा? डेबिट साइड में, टू बैलेंस सीडी, ये क्या निकलेगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए प्लस माइनस करें अब हम लोग और देखें कि कितने रुपए आएंगे। डेबिट साइड को जोड़िए, 6 और 2 8 और 3 11000 प्लस 2400 प्लस 1800 15200। क्रेडिट साइड में कितना है? 15200 माइनस 16 और 1000 2600, 400 और 600 1000 7800, सॉरी 15200 2600 1000 और 7800। बैंक में बैलेंसिंग फिगर 3800 का। चलो बुक से भी मैच कराए हम लोग, क्या यही आंसर है? जी हां 3800। तो ये हुआ हम लोग का रिसीप्ट पेमेंट का एक क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6। लिखिए चलिए एक और क्वेश्चन है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, क्वेश्चन का नंबर है 1। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बोल रहा है
बहुत डिटेल दिया गया है और आपको क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। सबसे पहले ओपनिंग कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश एट बैंक कहां जाएगा, रिसिप्ट साइड सर, ये ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी। सब्सक्रिप्शन रिसीव, पैसा आया, डेबिट साइड। डोनेशन कलेक्टेड सर, डेबिट साइड, पैसा आया। सैलरी पेड, क्रेडिट साइड, पैसा गया। रेंट पेड सर, पैसा गया, क्रेडिट साइड। टूर्नामेंट एक्सपेंस, पैसा गया, क्रेडिट साइड। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट साइड, पैसा जा रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड सर, डेबिट साइड में पैसा इनफ्लो हो रहा है। सन्ड्री एक्सपेंस, क्रेडिट साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, क्रेडिट साइड। कैश इन हैंड एट द एंड, ये क्या है सर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी के नाम से। चलिए शुरू करें, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। कैश और बैंक दोनों दिया हुआ है, कैश है 3400 और बैंक है 23400। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो पैसा आया, अमाउंट है 25000। उसके बाद है डोनेशन कलेक्टेड, तो सर पैसा मिला, डेबिट साइड में कितने का डोनेशन है, 5000। नेक्स्ट सैलरी पेड, ये तो खर्चा है, पैसा गया, पेमेंट कर रहे हैं, कितने का सैलरी का पेमेंट किए, 6000। अगला नाम है रेंट पेड, तो सर ये भी क्रेडिट में, पैसा गया, अमाउंट है 1000। फिर है टूर्नामेंट का एक्सपेंस, तो पैसा फिर गया, टूर्नामेंट एक्सपेंस 3000। नेक्स्ट लिखा है इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, बाय इन्वेस्टमेंट, पैसा फिर गया, अमाउंट पढ़िए 10000। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, पैसा आया, अमाउंट 600। सन्ड्री एक्सपेंस, पैसा गया फिर से, खर्चा कर रहे हैं, सन्ड्री एक्सपेंस 1500। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, पैसा फिर गया, फाइव हंड्रेड। और फिर कैश इन हैंड, तो सर ये तो बैलेंस सीडी है कैश, कितना, 700। चलिए जोड़ा जाए, 3400, 23400, 25500, 30600, ये आएगा 57400। अब इसमें से इन सबको माइनस कर दो, अगर बराबर हो गया तो ठीक और नहीं हुआ तो बैंक आएगा बैलेंसिंग फिगर। सर क्यों, क्योंकि देखो ना ओपनिंग में कैश बैंक है, तो अगर ये बराबर नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स बैंक का पैसा बाकी है। माइनस 6 और 1 7 और 3 10000, फिर से 10000, 1500, 500 और 700, तो बैंक में पैसा बच गया कितना, 34700 रुपीज। ये था हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट का दो क्वेश्चन जो स्टडी मैट में अवेलेबल था। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन रिसिप्ट पेमेंट का अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग का रिसिप्ट पेमेंट का टॉपिक खत्म। लिखिए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ें। अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो काफी सिंपल था, उससे दो क्वेश्चन जो बुक्स में अवेलेबल थे स्टडी मैट में वो हम लोग बना लिया। अगला टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। एक बार हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को पूरा सीख ले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ अकाउंट नहीं है, उसके अंदर कई सारे चीजों को धीरे धीरे सीखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ नॉर्मल सा बात जान ले। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट जब बोले तो आपके मन में ख्याल आ गया कि सर कि डेबिट साइड में एक्सपेंस एंड लॉस रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन रिकॉर्ड होगा। हम बोले बिल्कुल,
ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूल पे बनता है। जो हम लोग फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रूल सीखें, उसी रूल पे क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाया जाता है। जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, सेम उसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से भी प्रॉफिट और लॉस निकलता है। लेकिन क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करता है, तो यहां पे प्रॉफिट का नाम बदल के सरप्लस रख दिया गया और लॉस का नाम बदल करके डेफिसिट रख दिया गया। तो हम बोल सकते हैं कि सर निकलेगा तो प्रॉफिट ही लॉस, लेकिन उसका नाम क्या होगा, प्रॉफिट का नाम सरप्लस और लॉस का नाम डेफिसिट। प्रॉफिट कब होगा, जब आपका इनकम अधिक होगा और एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट होगा, उसका नाम सरप्लस। और लॉस कब होगा, जब आपको एक्सपेंस अधिक हो और इनकम कम हो तो आपको लॉस हो जाएगा। तो सरप्लस किसका नाम है, प्रॉफिट का, और लॉस का नाम क्या है, डेफिसिट। ये भी अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे बनता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट सर सिर्फ करेंट ईयर के बातों को रिकॉर्ड किया जाता है, प्रीवियस ईयर या अपकमिंग ईयर के ट्रांजेक्शंस को आप यहां पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। हम बोले बिल्कुल, ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, रेवेन्यू आइटम। जो रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, रेवेन्यू का मतलब हम बोले सर रेकरिंग आइटम्स, जो बार बार हर बार लगातार होते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग रेकरिंग आइटम्स या रेवेन्यू आइटम्स। तो जो हम लोगों का रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शंस होते हैं, मतलब एक्सपेंस और इनकम जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि सर जो नॉन रेकरिंग नेचर के कैपिटल आइटम्स होंगे वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता होगा। हम बोले बिल्कुल, जो रेवेन्यू आइटम्स हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा करेंट ईयर का, और जो कैपिटल आइटम्स होंगे नॉन रेकरिंग नेचर के, वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते हैं। हम बोले बिल्कुल, इसीलिए कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, वो कहां आएगा, बैलेंस शीट के अंदर। तो यही बात यहां पे लिखाया गया है। पहला क्या लिखे हैं कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो सर डेबिट साइड में लॉस एक्सपेंस एंड लॉस रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन रिकॉर्ड होगा। इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सेम उसी प्रिंसिपल पे बनता है जिस प्रिंसिपल पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। इट रिकॉर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ करेंट ईयर, सर ये तो पीएल में भी नियम था, वहां भी रेवेन्यू आइटम ही रिकॉर्ड होते थे। एक्सपेंस और इनकम किस नेचर का होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा, जो रिकरिंग इन नेचर होते हैं, और वो भी करेंट ईयर का। इट इज प्रिपेयर ऑन अक्रूवल कॉन्सेप्ट, सर ये भी अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। द रिजल्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या निकलेगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से क्या मिलेगा। हम बोले सर वहां से आपको सरप्लस मतलब प्रॉफिट या डेफिसिट या मतलब लॉस ये निकलेगा। एक्सपेंस ऑफ करेंट ईयर इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, ये तो कोई बोलने का बात ही नहीं है कि सर जो खर्चा होगा वो कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड का नाम है एक्सपेंडिचर, और जो इनकम होगा वो कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का नाम क्या है, इनकम। टॉपिक का नाम ही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखेंगे और क्रेडिट साइड में इनकम लिखेंगे। उसके बाद कैपिटल आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, इस अकाउंट के अंदर कोई भी कैपिटल आइटम जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये तो सिंपल सा एक बात हो गया। फिर हम लोग क्या बना लिए फॉर्मेट के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट क्या, मतलब सर बहुत सिंपल है, डेबिट साइड में क्या लिखें, एक्सपेंडिचर। सर नाम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, तो इनकम इधर और एक्सपेंडिचर इधर होना चाहिए था। हम बोले नहीं, नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लेकिन अकाउंट्स का लॉजिक तो ये बोलता है कि डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस एंड लॉस। तो सिर्फ डेबिट साइड का नाम क्या रखा गया, एक्सपेंडिचर, कि सर यहां पे सारा खर्चा और लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा। क्रेडिट साइड में क्या होगा, सर इनकम और गेन, तो इसका नाम इनकम हो गया। तो सर जितने भी तरह के इनकम होंगे जो कि रेवेन्यू नेचर के होंगे और रेकरिंग होंगे, वो कहां आएंगे, इनकम साइड में। जैसे सब्सक्रिप्शन, चंदा, डोनेशन, दान, इंट्रेंस फी, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। और खर्चा में क्या हो सकता है, सैलरी, रेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, या और भी कई तरह के खर्चे जो रेकरिंग नेचर के हो, रेवेन्यू नेचर के हो, वो रिकॉर्ड होंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लिखे हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स नहीं लिखे हैं। एसेट्स को बेचना नहीं आएगा, बेचने से होने वाला प्रॉफिट लॉस आएगा। कि सर जो एसेट्स बिक रहा है, मान लो एक एसेट्स है 1 लाख का, हम उसको बेच दिए 1,20,000 में,
तो सेल वैल्यू कितना है 1,20,000। हम बोले वो नहीं आता है। प्रॉफिट कितना हुआ? हम बोले सर 1,00,000 का चीज 1,20,000 में बेचे तो प्रॉफिट हुआ 20,000 का। वो प्रॉफिट यहां आएगा कि सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आएगा। ये मत सुन लीजिएगा कि सर बोले थे कि सेल ऑफ एसेट्स आता है इनकम एक्सपेंडिचर, बिल्कुल नहीं। हम बोल रहे हैं एसेट्स को बेचने से जो फायदा या नुकसान, जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फायदा हुआ तो इनकम साइड में और सर लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड में लिख दिया जाएगा। यहां तक का बात ठीक? इसको बनाने से क्या मिलेगा? हम बोले सर प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट का नाम सरप्लस। प्रॉफिट कब होगा? जब इनकम का साइड ज्यादा हो, तो एक्सेस इनकम हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, जिसका नाम है सरप्लस। लेकिन अगर कभी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम कम हो तो क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस का नाम क्या है? डेफिसिट। कि सर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, किससे ज्यादा है? इनकम से, तो बिजनेस को क्या हो जाएगा? लॉस। ऑर्गेनाइजेशन जो एनपीओ चला रही है उसको लॉस होगा, उसका नाम वो क्या लिखेगा? डेफिसिट को। सर ये प्रॉफिट लॉस कहां, ये जो सरप्लस और डेफिसिट है ये कहां जाएगा? हम बोले उसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग बैलेंस शीट पे आएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो जो नेट प्रॉफिट था वो कहां जाता था? सर कैपिटल के अंदर। तो जाहिर सा बात है ये जो सरप्लस या डेफिसिट है ये भी कहां जाएगा? कैपिटल के अंदर। सर एनपीओ में मालिक भी होगा? हम बोले कैपिटल फंड के अंदर, उसका वहां कैपिटल का नाम होगा कैपिटल फंड, तो वहां पे चला जाएगा। सेम ट्रीटमेंट एकदम, जो हम लोग पीएल में सीखे हैं वही ट्रीटमेंट यहां भी होता है। चलिए पहले आप इतना सब बात को रिकॉर्ड कीजिए, फिर हम लोग कुछ नया बात के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए अगला आइटम लिखिएगा, आउटस्टैंडिंग, या इसी को आप बोलते हैं अक्रूड। सर दोनों सेम चीज है? हम बोले नहीं, ट्रीटमेंट वाइज दोनों सेम चीज है, डिफिनेशन वाइज दोनों अलग अलग चीज है। इनकम, एक्सपेंस, सर ये क्या लिख रहे हैं? हम बोले पहले आप लिख तो लो फिर डिस्कस करेंगे। हम बोले सर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। बकाया इनकम भी हो सकता है, बकाया एक्सपेंस भी हो सकता है। मतलब हम कोई खर्चा, मतलब मेरा स्टाफ मेरे यहां काम किया तो मेरा उसको क्या देना पड़ता है? सैलरी। हम उसको सैलरी इस मंथ नहीं दिए, हम बोले भाई कुछ दिन रुक जाओ बाद में देंगे, तो ये क्या हो गया? हम बोले सर ये हो गया एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। तो खर्चा जो होता है वो भी बकाया हो सकता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? बकाया, कि सर देना बाकी है, ड्यू है। तो एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, उसी तरह इनकम भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है। हम किसी के लिए कोई काम कर दिए तो हमको क्या लेना है उससे? पैसा। तो मेरे लिए इनकम है, वो हमको बोला कि भाई एक महीना रुक जाओ अगला महीना पेमेंट करेंगे, तो मेरा इनकम बाकी रह गया, तो मेरे लिए क्या हो गया? सर हम बोले सर आपका इनकम आउटस्टैंडिंग है। अब सोचना एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग मेरे लिए क्या बन जाएगा? हम बोले लाइबिलिटी। कैसे? जो आदमी मेरे लिए काम कर दिया है हमको उसको पैसा देना है, अब हम उसको बोल रहे हैं अभी नहीं दे पाएंगे कुछ समय बाद देंगे, तो मेरे लिए वो क्या बन गया? एक करेंट लाइबिलिटी, कि सर बाद में देना पड़ेगा, तो आपके लिए एक ऑब्लिगेशन है पेमेंट का। तो जब एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होता है, कोई भी एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग होगा वो क्या बनेगा? लाइबिलिटी। और कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है, हमको किसी से पैसा लेना था वो बोला है बाद में देंगे, तो सर बाद में पैसा आएगा तो आपके लिए एसेट्स है, तो एसेट्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हां सर बाद में कहीं से पैसा मिलता है तो वो एसेट्स है। एक बात आपके दिमाग में गया कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स होता है। हम बोले बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरा एडवांस, इसी को हम लोग बोलते हैं खर्चे के पॉइंट से प्रीपेड। क्या एडवांस में इनकम हो सकता है? हम बोले हां होता ही है। क्या एडवांस में एक्सपेंस भी होता है? बिल्कुल।
जैसे हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं या फिर आप भी देखते होंगे, आप जहां पर कोचिंग करते हैं, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, क्या आपका कोचिंग जहां पे आप पढ़ने जाते हैं वहां पे ऐसा नहीं होता है कि आपको एडवांस में ही फी पे करना पड़ता है अपने कोर्स का? आप पहले ही पेमेंट कर देते हो, एक दो क्लास करते हो, पेमेंट कर देते हो और उसके बाद आपको क्लास करने दिया जाता है। तो हम बोल रहे हैं इनकम एडवांस में भी हो सकता है। हम किसी बच्चे को बोले कि भाई हम आपको ये कोर्स पढ़ाएंगे, इसका फीस इतना रुपया है, सपोज कीजिए हम बोले कि इसका फीस है 10,000 रुपया इस कोर्स का, और कोर्स कंप्लीट करने में हमको लगेगा 10 महीना कि 10 मंथ में वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फीस हम आज ही ले लेंगे और पढ़ाएंगे 10 महीना तक, तो जो इनकम हमको ओवर द पीरियड 10 मंथ में होना चाहिए था वो हमको इनिशियली शुरू में ही हो गया। तो हम बोल सकते हैं ना कि सर आपको एडवांस में इनकम मिल गया। तो जब हम इनकम को एडवांस में कमा लेते हैं, अभी काम करना बाकी है, पहले ही पैसा ले चुके हैं, तो मेरे लिए अब एक लायबिलिटी है वो इनकम, क्योंकि अभी हमको पढ़ाना पड़ेगा। तो एडवांस इनकम क्या होता है? लायबिलिटी, कि सर आप पैसा ले लिए हैं, ड्यूटी परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, और अगर आप नहीं करेंगे तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा आपको, तो परफॉर्मेंस देना पड़ेगा या तो सर्विसेज के रूप में या फिर रिफंड के रूप में। तो हम बोल रहे हैं सर इनकम अगर एडवांस में मिले तो क्या बन जाता है? लायबिलिटी, कि सर अगर एडवांस में इनकम हो तो एडवांस इनकम क्या बनेगा? लायबिलिटी। वही अगर एडवांस में खर्चा तो सर ये तो एसेट्स बनेगा। जैसे हम किसी बच्चे से फीस ले लिए तो वो बच्चा तो एडवांस में खर्चा कर दिया, उसके लिए हम क्या है अब? एसेट्स, कि भाई हम एडवांस में ट्यूशन फीस दिए हैं, अब हमको इसके बदले क्या मिलने वाला है? सर्विसेज, इसका बेनिफिट मिलेगा, सर पूरा पढ़ाएंगे, मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो जब हम लोग एडवांस में खर्चा करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स, कि सर वो आपका एसेट्स है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, ऐसा कोई टफ बात तो बोले नहीं है हम, बोले इनकम और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है। अगर कभी आउटस्टैंडिंग इनकम हो तो वो आपके लिए एसेट्स है और एसेट्स कभी यहां पर नहीं आता, और अगर कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग हो तो वो लायबिलिटी है, वो भी यहां थोड़ी आएगा, वो कहां आता होगा? बैलेंस शीट में। एडवांस का बात करें, एडवांस इनकम क्या है? लायबिलिटी, और एडवांस में अगर हम खर्चा कर दे तो सर वो एसेट्स बन जाएगा। तो सर एसेट्स और लायबिलिटीज का जगह कहां पे है? बैलेंस शीट के अंदर है। एक बात तो क्लियर कर दिए, बोले ओके, आगे बढ़िए। थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस। फॉर द करेंट ईयर एक्सपेंसेस पेड, सर ये क्या कर रहे हैं? पहले लिखो तो फिर समझा देंगे हम सारा बात। इसमें प्लस करते हैं क्लोजिंग, ओएस का मतलब आउटस्टैंडिंग, इसमें प्लस करते हैं ओपनिंग एडवांस एक्सपेंसेस, माइनस करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, माइनस करते हैं क्लोजिंग एडवांस एक्सपेंसेस। जब ये सारा काम करते हैं तो ये निकलता है एक्सपेंसेस ऑफ करेंट ईयर। सर करेंट ईयर क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग अभी अभी लिखे हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट ईयर का खर्चा जो इस साल का है सिर्फ उस साल का बात को रिकॉर्ड करता है, वो ना बीते हुए समय का बात को रिकॉर्ड करेगा ना आने वाले खर्चे को रिकॉर्ड करेगा, वो बस इस साल का, जिस साल का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उस साल का ही वो इनकम या एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है। तो सवाल उठा कि सर कैसे पता चलेगा कि इस साल का खर्चा कितना? हम बोले उसका हमें कि एक फॉर्मूला टाइप का लिख दिया, हालांकि ये फॉर्मूला और बुला नहीं है,
अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे और आप समझ भी जाइएगा। हां सर, बहुत सिंपल है ये, तो सोचिएगा ध्यान से। हम अभी अभी बिजनेस खोले हैं, तारीख है 1 अप्रैल 2021, और मेरा बुक्स कब बंद होगा? हम बोले 31 मार्च 2022। और मेरे पास एक स्टाफ है जिसको हम सैलरी देते हैं, कितना सैलरी देते हैं? 5,000 per month। एक स्टाफ है जिसको हम हर मंथ कितना सैलरी देते हैं? 5,000 रुपए। ये जो साल है, ध्यान से देखिएगा, इस साल में कितना मंथ है? हम बोले सर मेरा इस साल में तो 12 महीना, लेकिन हम सैलरी पे किए हैं 11 मंथ। सर आप 11 महीना क्यों पे किए? भाई पैसा नहीं है अभी, मेरा स्टाफ पूरा साल काम किया, 11 मई तक हम पेमेंट कर दिए, आखिरी महीना जो आया मार्च का महीना, अपने स्टाफ को बोले 31 मार्च खत्म हुआ, वो अपना सैलरी मांगने आया। हम बोले भाई अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तुम एक काम करना, आने वाले साल में तुम मेरे यहां काम कर ही रहा है, अगले साल हम तुमको कुछ दिन के बाद इस साल का पैसा जो एक महीना का बाकी है हम तुमको पे कर देंगे। मतलब अकाउंटिंग ईयर 2021-22 में जो एक महीना का सैलरी है हम उसको प्रॉमिस किए कि नेक्स्ट ईयर जो अकाउंटिंग ईयर आएगा उसके स्टार्टिंग में ही पे कर देंगे, मतलब हम पे करेंगे, मतलब बकाया रहा। तो सवाल उठता है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट बोलता है अक्रूअल कॉन्सेप्ट, वो क्या सिखाता है? कि भाई जिस साल के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो साल आपका चल रहा है अकाउंटिंग पीरियड, इनकम और एक्सपेंस इसी साल का रिकॉर्ड होगा, चाहे आप पेमेंट करो चाहे आप पेमेंट मत करो, क्योंकि ये खर्चा का बेनिफिट आप ले चुके। स्टाफ तो मेरे दुकान में काम किया है 12 महीना, वो तो अपना काम कर दिया है, तो वो हम उससे बेनिफिट ले चुके हैं, उसका पेमेंट सिर्फ जो एक महीने का है वो हम इस साल ना करके अगले साल करेंगे। अक्रूअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कि भाई बेनिफिट ले चुके, खर्चा तो हो ही चुका है, तो जब खर्चा हो चुका है, बेनिफिट लिया जा चुका है, तो उस खर्चे को किस साल रिकॉर्ड करना होगा? इसी साल रिकॉर्ड करना होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट। तुम पेमेंट किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। तो सवाल उठता है कि सर इस साल में हम कितना खर्चा दिखाएंगे? हम बोले बहुत सिंपल, सबसे पहले हम सैलरी पे किए 5,000 रुपया करके इस साल 11 महीना का 55,000। ये तो 11 महीना का रिकॉर्डिंग हुआ है, जबकि साल तो 12 महीना का है और स्टाफ तो 12 महीना काम किया है, एक महीना का हम पे नहीं कर पाए। जो हम पे नहीं कर पाए हैं वो क्या है? आउटस्टैंडिंग। क्या वो इसी साल का खर्चा है? हम बोले हां वो इसी साल का खर्चा है। तो सर यहां पे 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग खड़ा है, क्या हमको उसको भी इस साल खर्चा दिखाना चाहिए? हां, अक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिखाना चाहिए, और बहुत लॉजिकल है। सर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जोड़ दिए कितने रुपए का? 5,000। अब थोड़ा बता दीजिए भविष्य के सीएमए साहब की ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये किस साल का है? सर इसी साल का है। तो ये क्लोजिंग है, जिस साल के लिए बना रहे हैं उसके एंड का है, मतलब ये क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करने से ये क्या बन गया मेरा? ये बन गया सैलरी ऑफ करंट ईयर। और हम लोग यहां क्या लिखे हैं कि जो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग खर्चा होता है वो ऐड होता है, ऐड करने से आपका जो भी खर्चा होता है वो करंट ईयर के बराबर आता है। एक बात खत्म कि सर ऐड क्यों होता है वो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सर फिर आप लिखे हैं कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस भी होता है। हम बोले ठीक, आगे बढ़ो थोड़ा सा, अगले साल आ जाते हैं। अगले साल बुक्स कब बंद होगा? 31 मार्च 2023। सैलरी वही, स्टाफ वही, सब कुछ वही। जब हम इस साल आएंगे तो सर ये तो फिर से 12 महीने का है, लेकिन सीएमए साहब इस बार क्या हम पेमेंट 12 महीने का सैलरी या करेंगे कि 13 महीने का? सर 13 महीने का। क्यों? क्योंकि सर इस साल का 12 महीने काम करेगा उसका पैसा तो लेगा ही लेगा,
पिछले साल का भी एक महीना का सैलरी बाकी था उसका भी पेमेंट किए होंगे हम, तो सब मिला है कितना पेमेंट किए होंगे हम 13 महीने का। तो सर यहां पे जो आप पेमेंट किए होंगे ये आप पे किए होंगे 65,000, 13 महीना का 5,000 करके सर 65,000 का सैलरी दे दी। अब हम बोल रहे हैं बताओ इस साल जो साल चल रहा है उस साल में सैलरी का खर्चा कितना, पेमेंट हम 65 किए हैं लेकिन क्या 65,000 का बेनिफिट इस साल मिला है? जवाब है नहीं। बेनिफिट तो 12 महीना, क्योंकि इस साल में वो 12 महीना काम किया लेकिन पेमेंट हम 13 महीना का किए हैं। जो एक महीना का एक्स्ट्रा पेमेंट किए है उसका बेनिफिट कब मिला था? पिछले साल में। तो सर पिछले साल का बात आप इस साल रिकॉर्ड नहीं करिएगा, वो तो पिछले साल रिकॉर्ड हो गया 5,000। इस साल क्या करना पड़ेगा सर? वो पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग को हटा दीजिएगा। आप पे किए हैं 65,000 लेकिन अक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से सिर्फ इस साल का खर्चा रिकॉर्ड होगा। इस साल का खर्चा 65 है ही नहीं क्योंकि 12 मंथ ही वो काम किया है इस साल, तो बेनिफिट उससे 12 मंथ का मिला है हमको, तो खर्चा भी 12 मंथ का बुक कीजिए। और जो एक मंथ का एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है वो खर्चा पिछले साल बुक हो चुका है, उसको हटाइए वरना डबल बुकिंग हो जाएगा। एक खर्चा का दो दो जगह रिकॉर्डिंग, पिछले साल भी फिर इस साल भी। तो कैसे लिखेंगे इसको? हम लोग सर सैलरी पेड कितने का? 65 का। लेकिन इसमें हटाना पड़ेगा क्या सर? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओ ये ओपनिंग है, हा ये आउटस्टैंडिंग जो हम माइनस कर रहे हैं क्या वो इस साल का है? नहीं, ये तो प्रीवियस ईयर का है, शुरू का। कितना? 5,000। ये क्या निकल गया? सैलरी ऑफ करंट ईयर। सैलरी ऑफ करंट ईयर कितना आया? 60,000। अब बात करें ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो क्या होता है? माइनस। अब आप समझ रहे हो कि हां सर पिछले साल वाला का सैलरी का पेमेंट इस साल हुआ लेकिन वो तो पिछले साल का खर्चा था, इस साल वो क्या कर रहा है? हटा दी। सर दो बात तो क्लियर। अब आप थोड़ा एडवांस वाला पे नजर डालिए। हम बोले आओ एडवांस वाला भी समझाएंगे। दुकान खोले हैं 1 अप्रैल 2021 और बुक्स कब बंद होता है? पहला बार 22। सोचिएगा सेम कहानी। हम बोले सर सैलरी 5,000 पर मंथ, तो एक साल में कितना सैलरी देना है हमको? सर 12×5=60,000। लेकिन मेरा स्टाफ आया वो बोला सर घर में कुछ काम है, आप हमको 3 मंथ का सैलरी एडवांस दे दीजिए। मतलब वो इस साल जो 12 मंथ वो काम कर रहा है वो तो मांग ही रहा है, 3 मंथ जो वो काम नहीं करेगा इस साल उसका भी सैलरी अभी मांग रहा है। और वो बोल रहा है कुछ जरूरी काम है घर का। हम बोले ठीक, ऐसा रियल लाइफ में होता भी, कई बार हम लोग अपने बॉस से एडवांस में सैलरी मांग लेते हैं और बाद में एडजस्ट करा लेते हैं कि भाई 3 महीना फिर हमको फ्री में काम करना पड़ेगा। हम बोले फ्री में थोड़ी काम कर रहा है, पैसा पहले ही ले चुका है, बस वो 3 महीना काम कर खत्म करेगा उस चीज को। तो हुआ क्या कि हम सैलरी पे की, कितना पे कर दिए? 75,000। तो सवाल उठा कि सर अक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस साल का खर्चा बुक कीजिए। तो हम बोले भाई खर्चा तो 75,000 हुआ है। हम बोले कैसे? क्योंकि हम पूछे बोलो कैसे भाई 75 का पेमेंट की, जो पेमेंट की वही खर्चा? हम बोले नहीं, खर्चा वो जिसका बेनिफिट भी मिला हो। एक बात बताओ, ये जो 3 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट किए हैं उसका बेनिफिट क्या इसी साल मिल गया? नहीं, वो अभी काम करेगा अगले साल 3 महीने का। तो सर ये जो एडवांस में आप इस साल पे किए हैं उसका बेनिफिट आने वाले समय में मिलेगा, तो ये तो क्लोजिंग एडवांस है।
क्या हमको हटाना चाहिए? बिल्कुल, 5,000 रुपया करके 3 महीने का, तो सर सैलरी करेंट रेट कितना है? 60, करेंट ईयर का 60, तो खर्चा कितना हुआ? 60,000। तो सर क्लोजिंग एडवांस क्या होता है? माइनस। लॉजिक समझ में आ रहा है कि सर जो एडवांस में आप पेमेंट कर दिए हैं उसका बेनिफिट तो आने वाले समय में मिलेगा, तो जब वो खर्चा ही आने वाले समय का है तो वो इस समय में पेमेंट करने से इस समय का खर्च थोड़ी गिना जाएगा, तो इस समय से निकाल दिया गया। अगले साल सर, अब तो बचा हुआ है सिर्फ ओपनिंग एडवांस। हम बोले हाँ अगले साल में भी देख लेते हैं। बुक्स कब बंद होगा? 31 मार्च 2023 को। बताइए अगले साल जब स्टाफ आएगा तो काम तो वो करेगा 12 महीना, लेकिन क्या हम सैलरी उसको 12 महीने का पे करेंगे या 3 महीने का? इस साल का 3 महीना तो पहले ही पे हो चुका है, सिर्फ 9 महीना पे करेंगे। सर सिर्फ 9 महीना पे करेंगे, 3 महीना तो पहले ही पे हो चुका है। हम बोले सर इस साल सैलरी पे हुआ 45,000, तो सर इस साल का बताइए खर्चा कितना? हम बोले कितना पे किए? हम बोले भाई सैलरी तो पे किए हैं 45, पिछले साल का जो एडवांस है वो इस साल का ओपनिंग है, कि सर पिछले साल जो एडवांस में पेमेंट किए थे वो क्लोजिंग था, तो अगले साल क्या बन जाएगा? वो ओपनिंग। तो हम बोले सर पिछले साल जो एडवांस में सैलरी दिए थे वो इसी साल का तो था, अब वो काम कर रहा है, तो वो जो पेमेंट अर्लियर पीरियड में हो गया है एक्चुअल में वो खर्चा इस समय का है, क्योंकि वो इस समय का ही पेमेंट किया गया है। तो सर खर्चा अगर इस समय का है तो इस समय दिखाइए, प्लस ओपनिंग एडवांस सैलरी कितने का? 15,000। यहां सर जो 15 वहां माइनस हुआ, यहां प्लस हो गया, तो सर सैलरी ऑफ करेंट ईयर इस साल का खर्चा कितने रुपए का? 60। तो सर ओपनिंग एडवांस प्लस होता है, ओपनिंग एडवांस प्लस होता है। तो मेरे हिसाब से हम डिस्कस कर लिए, तो जब भी कोई भी खर्चा और कोई भी इनकम होगा दोनों को निकालने का, करंट ईयर में निकालने का ये इलाज है कि सर ये इलाज कीजिएगा तभी निकलेगा। आपको पेमेंट दिया रहेगा, इतना पेमेंट किए उसमें ये इलाज को प्लस माइनस कीजिएगा तो आपका करेंट ईयर का इनकम और करेंट ईयर का एक्सपेंस पे पहुंच जाइएगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो करेंट ईयर का बात ही रिकॉर्ड करेगा ना, बीते हुए समय का ना आने वाले समय का बात। ठीक, तो ये हुआ इसके ऊपर बात। सर इनकम का भी सेम ऐसे ही बनाइएगा? हम बोले हाँ इनकम का भी सेम ऐसे ही बनाएंगे। चलिए लिखते चलिएगा, चलिए पहले इस बात को नोट डाउन कीजिए। हालांकि ये लिखना हम अवॉइड भी कर सकते हैं कि सर चलो ठीक है, आप बोलोगे फिर इनकम का बात कहां लिखे आप? कैलकुलेशन ऑफ इनकम फॉर द करेंट ईयर, इनकम रिसीव्ड, एक्सपेंस का पेमेंट होता है और इनकम क्या होता है? रिसीव होता है कि सर आपको इनकम मिल गया। क्या प्लस करेंगे? सर वही क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम। और अब मेरे हिसाब से आपको पता है क्यों प्लस हो रहा है। और क्या प्लस करेंगे? ओपनिंग एडवांस इनकम, क्या माइनस होगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम, क्या माइनस होगा? क्लोजिंग आउट, सॉरी क्लोजिंग एडवांस इनकम, और ये क्या निकल गया? इनकम ऑफ करेंट ईयर, जो आपको कहां लिखना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है।
बोले ओके चलो आगे बढ़ा जाए अब और सोचो। सर दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही है। बोले हाँ दोनों का ट्रीटमेंट तो सेम ही है, लेकिन अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि सर अक्रूड और सॉरी आउटस्टैंडिंग और जो एडवांस होता है, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो तो एसेट्स बन जाता है, एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग हो तो लायबिलिटी बन जाता है, एडवांस में अगर इनकम हो जाए तो लायबिलिटी बन जाता है, और अगर एडवांस में हम लोग एक्सपेंस कर दे तो एसेट्स बन जाता है। ये तो सारे आउटस्टैंडिंग और एडवांस ही हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस छोड़ो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? लायबिलिटी। तो सर ये तो लायबिलिटी बनेगा। हम बोले बिल्कुल। एडवांस एक्सपेंस छोड़ो, ओपनिंग का बाद में समझेंगे ओपनिंग क्या, फिलहाल ये डिस्कस करो कि ये एडवांस एक्सपेंस क्या है, एसेट्स या लायबिलिटी? सर एडवांस एक्सपेंस तो एसेट्स। फिर आगे बढ़ो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सर ये तो लायबिलिटी है, एडवांस एक्सपेंस सर ये एसेट्स। आते हैं इनकम की तरफ, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम सर ये तो एसेट्स, एडवांस इनकम सर लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स, एडवांस इनकम लायबिलिटी। आप देखे होंगे कि सर प्लस माइनस एक जैसा है, लेकिन दोनों का जो नेचर है वो अलग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकम कोई भी इनकम जो आउटस्टैंडिंग हो वो बैलेंस शीट के कहां चला जाएगा? एसेट साइड में। तो सिर्फ ये सोचना कि सर दोनों का प्लस माइनस सेम है तो उनका नेचर भी सेम है, हम बोले नहीं, एक लायबिलिटी है तो दूसरा उसका ठीक उल्टा एसेट बन जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर सवाल में इसका यूज हम लोगों को करना पड़ेगा, और फिर आपसे हम पूछेंगे कि बताओ कहां जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में डाल दीजिए, और एडवांस एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में डाल दीजिए। हम बोले ओके, इस बात को नोट डाउन करिए। आइए इनकम, सब्सक्रिप्शन, चंदा, क्या अगर इनकम लिखे हैं तो ये इनकम करेंट ईयर का होगा? हम बोले हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ करेंट ईयर का रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करता है। और अभी अभी हम लोग सीखे कि सर इनकम करेंट ईयर का अराइव कैसे करते हैं, या एक्सपेंस करेंट ईयर का कैसे निकाला जाता है। जहां आप लिखे थे कि सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस कर देंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देंगे, ओपनिंग एडवांस को प्लस कर देंगे, क्लोजिंग एडवांस को माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? इनकम ऑफ द करेंट ईयर। हम बोले हाँ, तो ये सारे इनकम ही तो हैं। अगर इस इनकम का ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस आउटस्टैंडिंग बता दे तो क्या हम फाइंड आउट नहीं कर सकते? हम जैसे एक टॉपिक ले लेते सब्सक्रिप्शन, हम बोले सर एक टॉपिक ले लीजिए सब्सक्रिप्शन, हम बोले सब्सक्रिप्शन क्या है सर? इनकम है कि सर ये तो इनकम है, और हम आपको बोले कि बताओ सब्सक्रिप्शन निकाल के दिखाओ हमको जो कि करेंट ईयर का हो, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी इनकम रिकॉर्ड होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है और वो सिर्फ करेंट ईयर का रिकॉर्ड करता है। एक क्वेश्चन आ गया और आपसे बोला गया कि सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करके दिखाओ जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, तो सबसे पहला सवाल कि सर सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, क्या हम आपको कैलकुलेशन ऑफ इनकम सिखाए हैं? बिल्कुल, हम कोई ये बोल के थोड़ी सिखाए कि सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन ऐसे होता है, सैलरी का कैलकुलेशन ऐसे होता है। हम तो बोले भाई दो चीज है, एक इनकम होता है एक एक्सपेंस होता है, किसी भी इनकम को कैसे निकाला जाए उसके बारे में बात की, करेंट ईयर का इनकम कैसे निकलेगा। तो अगर सब्सक्रिप्शन का बात होगा तो आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर इनकम रिसीव्ड, इनकम का नाम क्या है? सब्सक्रिप्शन।
इसमें क्या जोड़ देंगे सर? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सर आप क्यों लिख के दिखा रहे हो? ताकि आपके मन में ये ना रहे कि सर तो बताया ही नहीं कैसे निकाला था सब्सक्रिप्शन। अरे भाई सब्सक्रिप्शन इनकम है, जैसे इनकम निकलता वैसे निकलेगा। और क्या प्लस करेंगे सर? ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। और क्या माइनस होता है सर? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और क्या माइनस होता है? क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। और ये क्या निकल गया? ये निकल गया सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। और ये कहां दिखाया जाएगा सर? इनकम में। खत्म बात। तो ये तो हम सिखा ही चुके हैं, नाम कुछ भी हो इनकम का निकाला तो जा ही सकता है। बोले बिल्कुल ये तो निकल जाएगा सर। अब थोड़ा ये बता दो कि सर ये जो आउटस्टैंडिंग है ये क्या है? सर इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो एसेट्स है, एडवांस है तो लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग है तो एसेट साइड में चला जाएगा। सर दो दो बार एसेट्स दो दो बार लाइबिलिटी वो टेंशन मत लो, वो तो बहुत सिंपल सा बात है, वो जब समझाने का बात आएगा हम तुरंत समझा देंगे उसको। फिलहाल तो आप ये पकड़ लिए कि ये इनकम है आउटस्टैंडिंग इनकम, एडवांस इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम एडवांस इनकम। तो सर उसके हिसाब से नेचर बता दिए कि कौन एसेट्स है कौन लाइबिलिटी है। अगर मान लो इसी चीज को हम आपसे बोले कि भाई सब्सक्रिप्शन का तो हमको अकाउंट बना के दिखाओ, तो जो हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे हैं सब्सक्रिप्शन क्या है, हम बोल रहे हैं सर इनकम, तो कोई भी इनकम का अकाउंट आप ऐसे बना सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हैं, तो सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पैसा लिख देंगे, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन पैसा लिख देंगे। उसके बाद बाय बैंक, ये क्या है सर? ये है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मतलब इनकम आपको रिसीव हुआ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड उसका पैसा। और क्या आएगा सर? और आएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग टू क्लोजिंग एडवांस। और बैलेंसिंग फिगर निकल गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या है? हम बोले सर ये छह आइटम आते हैं, इसमें से या तो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि बताओ सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का कितना, ये है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो आएगा वही तो है सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का। तो ये है जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का पैसा जाए। तो क्वेश्चन में छह चीज में पांच चीज बता देगा, एक ये निकालना होगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बता देता है और वो आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग एडवांस ऐसे कुछ निकालने के लिए बोल देगा, बोलेगा बताओ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने का है सब्सक्रिप्शन में, बोले ओके। तो ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन का अकाउंट नहीं सिखाए आपको, हम बोले भाई इनकम का अकाउंट आप ऐसे बनाएंगे। सिमिलरली अगर इनकम का अकाउंट बन सकता है तो सर फिर एक्सपेंस का भी अकाउंट बन सकता है, बोले बिल्कुल बन सकता है।
अब एक्सपेंस का अकाउंट, ये इनकम का अकाउंट था सर, इसका ठीक उल्टा बनेगा। बोले बिल्कुल। ओपनिंग एडवांस और आउटस्टैंडिंग कहां आएगा? क्रेडिट में, क्योंकि लायबिलिटी है सर वो। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग टू बैंक, ये क्या है सर? ये है एक्सपेंसेस पेड टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये क्या निकलेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये है खर्चा जो इस साल का है, करंट ईयर का है। और बाय क्लोजिंग एडवांस। सर एक बात बताइए, बोले क्या ये जो आप आउटस्टैंडिंग को डेबिट में लिख रहे हैं, एडवांस को क्रेडिट लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? हम बोले इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब एसेट्स, तो एसेट्स का स्टार्टिंग बैलेंस कहां आता है? डेबिट में। और एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। ये तो हम लोग लेजर में पढ़े हैं। जैसे मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन पढ़े हो ना जी, मशीन अकाउंट में टू बैलेंस बीडी, सर एसेट्स डेबिट साइड में देता है बीडी, फिर सीडी कहां होता है? क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस सीडी। तो हम बोल रहे हैं इनकम आउटस्टैंडिंग है तो एसेट्स है, तो सर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। इनकम अगर एडवांस में मिले तो लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां आता है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में। उसका क्लोजिंग कहां आएगा? डेबिट में, डेबिट में। तो सर हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज को लिख लिए, उसमें से ये रहा इनकम रिसीव्ड, इस साल इतना रिसीव हुआ, एडजस्ट करने के बाद ये है इनकम ऑफ द करेंट ईयर, जो इस साल का इनकम है। सेम बात एक्सपेंस के लिए, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। और एक्सपेंस अगर हम एडवांस में करेंगे तो एसेट बन जाएगा। तो देखो ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। खर्चा का पेमेंट किए टू बैंक, खर्चा का पेमेंट किए, सर खर्चा तो रिकॉर्ड डेबिट में होगा। और क्या निकल जाएगा फिर बैलेंसिंग फिगर से? इस साल का करेंट ईयर का खर्चा। ये हम क्यों सिखा रहे? अगर मान लो क्वेश्चन में बोल दे कि किसी इनकम का अकाउंट बनाओ या किसी एक्सपेंस का अकाउंट बनाओ, तो बना लेंगे, क्योंकि हम लोग को तो ये आता है, हम इसी को देख के तो अकाउंट बनाए हैं कि सर कोई भी अकाउंट होगा तो बनाएंगे। अब हम लोग इस पे एक और बात करेंगे, इस बात को पहले आप लिखो और नोट डाउन करो। सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन होता है, एक तो रहेगा अंत कैसा, वो रहेगा वो बोलेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव, बाकी सारा आइटम दे देगा, वो ये निकालने बोलेगा। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, टाइप टू क्वेश्चन, ये हो गया टाइप वन क्वेश्चन कि सर इस तरह का क्वेश्चन, इसमें क्या होगा वो सब्सक्रिप्शन रिसीव बता देगा। एक होता है टाइप टू क्वेश्चन ऑन सब्सक्रिप्शन, सर कैसे पता चलेगा टाइप टू क्वेश्चन? हम उन्हें बता रहे टाइप टू क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन आपको बताएगा नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड मेंबरशिप फी या सब्सक्रिप्शन फी ये बता देगा। कि सर इतना रुपया सब्सक्रिप्शन फी है, नंबर ऑफ मेंबर्स, जैसे बोलेगा क्लब के अंदर 100 मेंबर है, हर मेंबर से एनुअली लेते हैं 200 रुपया। तो जब इस तरह से बताएगा तो हम लोग बोलेंगे सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर तुरंत निकल जाएगा। ये एक ही बार में तुरंत निकल जाएगा। कैसे? जो नंबर ऑफ मेंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सब्सक्रिप्शन फी के साथ, हर मेंबर का पैसा निकल जाएगा। कि हां सर हर मेंबर अगर 200 रुपया देता है और मेरे पास 100 मेंबर है, तो 100 × 200 कितना हुआ? 20,000 रुपया। तो हम लोग का इस साल का इनकम कितना है सब्सक्रिप्शन के नाम पे? 20,000। सुनिएगा ध्यान से, जब टाइप टू टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, टाइप टू का पहचान क्या है? नंबर ऑफ मेंबर दे देगा और फिर मेंबर का फीस बता देगा कि हर मेंबर से इतना पैसा हमको मिलता है। तो उस केस में हम लोग इस मेथड से ना बना करके इस मेथड से बनाएंगे। ऐसा क्यों? हम बोले जब क्वेश्चन इस लैंग्वेज का होगा, टाइप टू लैंग्वेज का, तो उसमें बहुत चांस रहता है कि वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं बताएगा। और हम लोगों का तो
इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकल गया, मल्टीप्लाई किए ये मिल गया, ये बैलेंसिंग फिगर सिर्फ आएगा ही नहीं। हम बोले हाँ ये तो फिर बैलेंसिंग नहीं आएगा, ये बता देगा बाकी सब बता देगा। तो बैलेंसिंग फिगर से अपने आप क्या निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान सुनिएगा, सब्सक्रिप्शन पे दो तरह का क्वेश्चन बनता है। एक बनेगा टाइप वन क्वेश्चन, जिसके अंदर वो सब्सक्रिप्शन रिसीव बताएगा, आउटस्टैंडिंग एडवांस बताएगा, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स और सब्सक्रिप्शन फीस नहीं बताएगा। तो वो हो गया टाइप वन क्वेश्चन। आपको जिससे बनाना है दोनों में से मेथड से, आप किसी से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन में टाइप टू क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कैसा होता है, कैसे पकड़ लेते हैं? हम बोले सर टाइप टू क्वेश्चन उस क्वेश्चन को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स दिया हुआ। क्वेश्चन बोलेगा नंबर ऑफ मेंबर्स इतना और हर मेंबर का मेंबरशिप फी बता देगा, उसको बोलते हैं टाइप टू क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चंस में इनकम और एक्सपेंडिचर नंबर ऑफ मेंबर और सब्सक्रिप्शन फी को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, वो हो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो निकल गया तुरंत। और ऐसे क्वेश्चन को, टाइप टू क्वेश्चन को, हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के डील करेंगे। उसका रीजन ये है कि जब भी वो नंबर ऑफ मेंबर बताएगा तो वो पक्का पक्का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपको नहीं देगा, जो हम लोग को निकालना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर से। सर जरूरी है कि वो ना दे, हो सकता है वो दे दे। हम बोले वो मैटर नहीं करता, वो दे दिया या नहीं दे दिया, बनाना आपको फिर इसी से चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे बनाइएगा तो आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सही निकलेगा ही नहीं। होता क्या है, अकाउंट फॉर्मेट एक डिफॉल्ट फॉर्मेट है कि इस फॉर्मेट में अपने आप बैलेंसिंग फिगर करेक्ट आ जाता है। इस मेथड में बैलेंसिंग फिगर का स्कोप नहीं बन रहा होता, इसीलिए हम लोग क्या बोले कि टाइप टू क्वेश्चन को हमेशा इससे डील कीजिएगा। और टाइप टू क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है, बस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वो बैलेंसिंग फिगर से नहीं आएगा, बैलेंसिंग फिगर से कुछ और आने वाला है। ठीक बात। तो ये हुआ हम लोग का सब्सक्रिप्शन के ऊपर चर्चा। इस पे एक दो क्वेश्चन भी है, उसको ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर टू पे आते हैं। हम लोग का जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ते हैं। लिखा है ऑन 31 दिसंबर 2013 ए क्लब हैड सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑफ ₹16,000। ये क्या है, एरियर का मतलब बकाया, आउटस्टैंडिंग। ₹16,000 का बकाया है सब्सक्रिप्शन का। कब है, 31 दिसंबर 2013 को। एंड इन एडवांस 4,000, और उसी दिन एडवांस भी है 4,000 का। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2014, हम लोग का साल कौन सा है, 2014। तो सर जो 13 है वो है ओपनिंग। कैसे पता चलेगा कि सर कौन है ओपनिंग कौन है क्लोजिंग? हम बोले बहुत सिंपल है, जिस साल के लिए बात चल रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर 2014, मतलब हम लोग का काम का साल कौन सा है, 2014। तो सर 13 क्या हो जाएगा, ओपनिंग, और 14 और 15 क्या हो जाएगा सर, क्लोजिंग। हम बोले ओके, आगे बढ़ो। द क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 2,08,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ है 2,08,000, ऑफ विच 10,400 वाज रिलेटेड टू 2015। बोल रहा है 2014 में आपको सब्सक्रिप्शन मिला है 2,08,000 का, जिसमें 10,400 15 से रिलेटेड है। तो क्या हमको ये जो 2,08,000 मिला है उसमें 2015 का भी पैसा मिल गया है? हाँ। तो सर ये तो एडवांस में मिल गया है, जो समय अभी आया भी नहीं है उसका पैसा। ये कौन सा एडवांस है, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग तो 13 होगा, क्लोजिंग क्या होगा? हम बोले सर 14 और 15 कि सर जो जिस साल का बना रहे हैं उसके आगे सब क्लोजिंग ही है। तो सर 2,08,000 जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव, और क्लोजिंग एडवांस है 10,400 का। क्यों? क्योंकि सर वो 2015 का है जो हमको अभी मिल चुका है। ऑन 31 दिसंबर 2014, बोल रहा है 31 दिसंबर 2014 को देयर आर 4 मेंबर्स हु हैड नॉट पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2014 एट द रेट ₹1,600 पर पर्सन। बोल रहा है 4 लोगों ने अपने 2014 का पैसा नहीं दिया, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो सर ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है? हम बोले ये आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग का, क्योंकि ओपनिंग तो 13 होगा, तो क्लोजिंग क्या है, 14। तो सर ये क्लोजिंग बता दिया है, 4 लोग ₹1,600 नहीं दिए, तो टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 4 × 1,600 का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मिल गया। अब पढ़ो, राइट अप सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर 2014। बोल रहा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखलाइए। हम बोले चल, क्वेश्चन सामने से क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखलाइए।
तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट में बनाएंगे? नहीं, आपको अकाउंट बनाने बोला है तो फिर अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर कुछ नहीं बोलता तब फिर आपका मन कि आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के बनाना है या आपको स्टेटमेंट के फॉर्मेट बनाना है। चलिए, सबसे पहले सिर्फ 6 बात तो आता है सर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्या हम लोग ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस बीडी लिखते हैं? ये क्या है? हम बोले सर ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, पूरा प्रेजेंटेबल वे में लिख रहे हैं। यहां क्या आता है सर? यहां आता है ओपनिंग एडवांस। तो ओपनिंग का मतलब क्या? बैलेंस बीडी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओपनिंग एडवांस। और क्या आएगा? बाय बैंक। ये क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। और क्या आएगा? बैलेंस सीडी है, बैलेंस सीडी। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग है मतलब वो सीडी है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। टू क्लोजिंग, तो सर बैलेंस सीडी, ये क्या है सर? क्लोजिंग एडवांस। और फाइनली बैलेंसिंग फिगर से क्या निकलता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये तो बैलेंसिंग फिगर से आएगा कि सर ये तो आप निकाले हैं किससे? बैलेंसिंग फिगर से। अब क्वेश्चन को पढ़ते चलते और बताते चलना कि भाई कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले लिखा है 31st December 2013, क्योंकि सवाल 14 का है, 2014 का, तो 13 क्या होगा? ओपनिंग ईयर। बोल रहा है 31 दिसंबर 2013 को क्लब का एरियर है 16,000 का। ये कौन सा एरियर है? आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। 13 का है तो ओपनिंग ही है सर। एंड एडवांस 4,000, तो सर ये भी ओपनिंग 2013 का है। दो कॉलम तो भर लिए सर। आगे बढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2014 क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन 2,08,000। सब्सक्रिप्शन मिला तो सर बाय बैंक 2,08,000, ये भी हो गया। ऑफ विच 10,400 वॉज रिलेटेड टू 2015, जो मिला है उसमें से 10,400 आने वाले साल का है, तो सर वो क्लोजिंग एडवांस है, ये भी हो गया। फिर लिखा है 31st December 2014 देर आर 4 मेंबर हु हैड नॉट पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2014। 2014 में 4 लोगों ने 2014 का पैसा नहीं दिया, तो सर वो क्लोजिंग है। 4 मेंबर ने 1600 रुपया करके नहीं दिया, तो कितना नहीं दिया? खत्म। बैलेंसिंग फिगर से निकाल लीजिए, इतना ही सिंपल है। लेकिन अभी हम आपके साथ और बात करेंगे। ये तो सॉल्यूशन हुआ कुछ सेवा का बात, सेवा का बात। हम बोले हां कुछ बातों को सीखना पड़ेगा पहले। कितना आएगा? 2,18,400 माइनस 10,400 माइनस 16,000, चलिए थोड़ा बताइए तो कि ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इतना सारा आइटम लिखे हैं, कौन सा आइटम कहां कहां जाएगा? जैसे हम बोले सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना? 192। ये बनाने नहीं बोला है, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि आपको जानना चाहिए कौन सा आइटम किससे रिलेटेड है।
सर ये जो बीडीसीडी है ये तो एसेट्स लाइबिलिटीज है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एडवांस क्या होता है, एसेट्स लाइबिलिटीज, तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। ये जो बैंक है सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये तो सिखा चुके हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कितना पैसा 2,08,000 रिसिप्ट में जाएगा सर, पैसा मिला है टू सब्सक्रिप्शन, दो लाख आठ हजार, यह भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग बीडीसीडी का, ध्यान सुनिएगा। अब आपको बताएं हम लोग कि सर दो दो बार एसेट्स और दो दो बार लाइबिलिटीज कहां लिखते हैं। एक्चुअली में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग को दो बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, एक बैलेंस शीट होता है ओपनिंग बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। जैसा कि अब हम लोग जानते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग किसको बोलते हैं, सर जो पहला डेट होता है वो ओपनिंग, जो उसके बाद आता है वो क्लोजिंग। तो यहां पे भी दो बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2013 को, और दूसरा बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2014 को, वो क्लोजिंग का बैलेंस शीट। अब सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो तो एसेट्स, और इनकम अगर एडवांस में हो तो लाइबिलिटी। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का 16,000। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग बैलेंस शीट 2013 ओपनिंग है तो सर उसका लाइबिलिटी एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000। एडवांस क्लोजिंग का तो सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और क्योंकि सर ये एडवांस इनकम है तो लाइबिलिटी कितने का 10,400 का, और सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एसेट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,400। तो जैसा कि देख सकते हैं कि सर हर एक आइटम कहीं ना कहीं जाता है। तो जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि एसेट्स लाइबिलिटीज क्यों जानना चाहिए एडवांस और आउटस्टैंडिंग का, उसका कारण यही था कि फिर वो बैलेंस शीट में जाता है, और दो इसलिए मिल रहा था क्योंकि सर एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनता है, डेट से समझ में आ जाएगा। तो जो ओपनिंग का एसेट्स लाइबिलिटीज होगा वो ओपनिंग के बैलेंस शीट में, और जो क्लोजिंग का होगा वो क्लोजिंग के बैलेंस शीट में। ये हुआ हम लोग का सॉल्यूशन, तो बस इतना पार्ट था, ये पार्ट हम लोग सिर्फ सीखने के पॉइंट से किए थे कि इसका डिस्कशन हो जाए, ताकि जब बड़ा क्वेश्चन बनाने का बारी आएगा तो हम लोग सारा बात को एक बार में देख के बोल देंगे, हाँ सर ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। लिखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इलस्ट्रेशन नंबर 3 लिखा है, द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ उड़ीसा हैड रिसीव्ड इन 13-14 2,000 टुवर्ड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है 2,000 रुपया का, सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13 बीते हुए साल का, करेंट ईयर जो सब्सक्रिप्शन मिला है किस साल का मिला है 13-14। सर ये 13-14 का मतलब क्या, जो ये लिखा हुआ है इस तरह से, ये कौन सा साल होता है? एक्चुअली इसका मतलब होता है 1 अप्रैल 2013 को बुक ओपन हुआ और 31 मार्च 2014 को बुक्स क्लोज हुआ,
12-13 का मतलब जो हम लोग का पिछला साल है, इसका मतलब 1 अप्रैल 2012 से लेकर के बुक्स बंद कब हुआ है, 31 मार्च 2013। ये होता है जब इस तरह से आप देखते हैं उसका मतलब। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। तो सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इस साल का 2000 और सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13 मतलब बीते हुए साल का सब्सक्रिप्शन अनपेड है 200 रुपया का। ये क्या है सर? ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। हम बोले अच्छा पिछले साल का है तो ओपनिंग है। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2013, हम लोग का तो सर 14 है, तो पिछले साल का एडवांस बता दिया कितने रुपए का, 50। एंड द सेम ऑन 31 मार्च 14 और फिर 31 मार्च 14 का भी एडवांस बता दिया 40। तो सर ओपनिंग एडवांस है 50 रुपए का, क्लोजिंग एडवांस है 40 रुपए का। सब्सक्रिप्शन फॉर 13-14 मतलब इस साल का अनपेड 90 रुपीज। तो ये क्या है सर? ये है क्लोजिंग, कि सर इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 90 रुपया का। सो हाउ दी सब्सक्रिप्शन आइटम विल अपेयर इन दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपसे क्या पूछा गया है कि कितना रुपया का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन आएगा, मतलब करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकालना है। दो तरीका है, इस बार तो वो तरीका नहीं बोला है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, तो आपका चॉइस। अगर आपको लगे कि सर हमको अकाउंट बना के हम निकाल सकते हैं, अकाउंट बना के निकाल लो, और अगर आपको लगे नहीं मेरे लिए स्टेटमेंट है तो उससे ही बना लो, हम आपको दोनों बना के दिखा देंगे, दोनों से सेम आंसर आएगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहला लाइन क्या है लिखा है? सब्सक्रिप्शन मिला 2000, तो सर बाय बैंक 2000, ये तो बना हुआ है मेरा फॉर्मेट। फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन 12-13 का अनपेड है, 12-13 मतलब पिछला साल का अनपेड, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, सर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, अमाउंट 200। फिर आगे बढ़ो, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 13, तो सर ये पिछले साल का है तो ओपनिंग एडवांस 50 रुपया। एंड ऑन 31 मार्च 14 ये क्लोजिंग एडवांस 40 रुपया। और फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन फॉर 13-40 अनपेड ऑन 31 मार्च 14, सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 90 रुपीज। क्या हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे? बिल्कुल, 2140 कितना बचेगा? 1900। देखिए आंसर 1900, यही है सर। इसी को अगर हम लोग स्टेटमेंट में निकालते तो कैसे लिखते सर? इसी का अल्टरनेटिव दिखा रहे, अल्टरनेट सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितने रुपए का? 2000। इसमें क्या ऐड करते सर? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 90 रुपया। और क्या ऐड करते? ओपनिंग एडवांस। सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग एडवांस 50 रुपया, माइनस होता ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है 200 रुपया, माइनस होगा क्लोजिंग एडवांस जो है 40 रुपीज, आ गया 1900। ये क्या है सर? ये है सब्सक्रिप्शन का इनकम। ये कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। अब इस चीज को सर बताइए कौन कहां कहां जाएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है, तो सर रिसिप्ट साइड में लिख दीजिए, टू सब्सक्रिप्शन 2000। उसके बाद क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सर एसेट्स है, कौन से बैलेंस शीट का? क्लोजिंग बैलेंस शीट का। तो सर ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट और ये है ओपनिंग बैलेंस शीट, तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितने का? 90।
ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी ₹50, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स ₹200, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी, और सब्सक्रिप्शन इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड, इनकम साइड कितना रुपया, ₹1900। ये बनाने नहीं बोला है, ये हम अपने साइड से प्रैक्टिस पॉइंट से बना रहे हैं ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि हाँ सर हर आइटम कहीं ना कहीं जा रहा है। लिखिए, चलिए इलुस्ट्रेशन नंबर 4 की ओर बढ़े। लिखा है द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अपेयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ साउथ इंडियन क्लब इज 3000। लो, अभी तक जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोग निकालते थे बैलेंसिंग फिगर बोल करके, इस बार क्वेश्चन वो बता दिया, बोला भाई सब्सक्रिप्शन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है वो कितने का है, ₹3000 का। बोले ठीक है, तो सर 6 बात में जो हम लोग पहले निकालते थे वो तो बता दिया, इसका मतलब है इस बार क्वेश्चन कुछ और पूछेगा आपसे। आगे बढ़ो, एडजस्टमेंट वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, एडजस्टमेंट बताया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन फॉर 2013 अनपेड एट 1 जनवरी 2014 ₹400, 200 ऑफ विच वॉज रिसीव्ड इन 14। क्या बोल रहा है, 2013 में ₹400 का सब्सक्रिप्शन का बकाया था, उसमें से 2014 में ₹200 दे दिया गया, मतलब मिल गया। तो 2013 में कितना बाकी था, 400, उसमें से जिस आदमी से 400 बाकी था वो कितना दे दिया है, 200। उस आदमी का अभी भी कितना बाकी होगा, ₹200 अभी भी बाकी होगा। तो सर ये जो ₹400 है 13 का वो क्या है, हम बोले आउटस्टैंडिंग बकाया, कौन सा, ओपनिंग या क्लोजिंग, सर ऑफ कोर्स ओपनिंग, 13 का चीज है, 14 का बात चल रहा है, 13 क्या है, पिछला साल, वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 400 का। हम बोले गुड, सर ये जो ₹200 मिल गया है वो, हम बोले जो मिल गया है वो तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के अंदर कवर कर ही लेगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, जो 200 नहीं मिला उसी का टेंशन रहेगा। आगे बढ़ो, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस एट 1 जनवरी 2014, बोल रहा है 1 जनवरी 2014 का एडवांस सब्सक्रिप्शन है कितने रुपए का, ₹100 का। सर ये ओपनिंग है या क्लोजिंग, हम बोले ओपनिंग, कैसे सर ये तो 14 लिखा हुआ है, हम बोले दोस्त 1 जनवरी 14 या 31 दिसंबर 13 एक ही तो बात है, क्योंकि 31 दिसंबर का बुक 1 जनवरी को ओपन होता है, तो ये 1 जनवरी 14 लिखा है, जबकि बुक्स कब बंद होगा, 31 दिसंबर 14 को, तो ये ओपनिंग एडवांस है, ओपनिंग एडवांस बता दिया ₹100 का। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस 31 दिसंबर 2014, देखो मिल गया ना 31 दिसंबर 14। अब बोलो ये कौन सा एडवांस है, सर ये क्लोजिंग एडवांस है, क्योंकि सर ईयर के एंड में दिया हुआ है, ₹80। फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन फॉर 2013 अनपेड एट 31 दिसंबर 2014 ₹140। बोल रहा है 2013 का ₹140 31 दिसंबर 14 को बकाया है, तो हम बोले सर ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। तो सर सब कुछ बताया, क्या नहीं बताया, सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो वही निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। इस बार बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या है, बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट जो लिखते हैं। चलिए सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 3000। अगला लाइन पढ़िए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है, 400। उसके बाद ओपनिंग एडवांस ₹100, उसके बाद क्लोजिंग एडवांस ₹80, और अब आते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पे, ध्यान दीजिएगा। हम बोले सर 2013 कितना बाकी है, 200। सर ये कहां से लाएं, फिर से पढ़ रहे, 2013 में ₹400 बाकी था, उसमें से आउट ऑफ विच 200 वाज रिसीव्ड इन 2014, जो 400 बाकी है उसमें से ₹200 इस साल मिल गया, तो पिछले साल का अभी भी कितना बाकी है, ₹200, और इस साल का कितना बाकी है, ₹140। तो हम बोल सकते हैं ना कि सर आपका सब्सक्रिप्शन का बकाया इस साल का 140 है, और पिछले साल का भी एक आदमी है जो ₹400 का बकाया था, 200 तो दे दिया, 200 अभी बाकी है, तो सब मिला है कितना बकाया है, ₹340 का। क्या निकाल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर से, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
3480 रुपया, मेरा गलती है, माइनस करेंगे 440 तो कितना आएगा 3040 रुपया बैलेंसिंग फिगर। चलिए बताइए अब ये कौन कहां कहां जाएगा। सर इसको क्या इस तरह बना सकते थे? हम बोले बना सकते थे, लेकिन आपको बनाने के लिए फिर मैथमेटिकली ठीक करना पड़ता, क्योंकि इस बार हमको निकालना क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो हम लोग को ये निकालना है, तो इन सबको इस साइड ले आते हैं। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग एडवांस प्लस। हम समझे नहीं सर, हम बोले समझा रहे हैं। ये सॉल्व करने से हम लोग का ये आंसर आता है कि सर ये प्लस माइनस के इक्वल टू में ये आंसर आता है। इस बार तो क्वेश्चन ये बता दिया, हमको निकालना है ये, तो हम बोल रहे हैं ये दिया हुआ है 3000, बाकी सारा आइटम दिया हुआ है, तो इन सभी आइटम को इस साइड लाएंगे तो जो साइन है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा सर। ये जो क्लोजिंग है वो इधर है, क्योंकि हम लोग का तो ये जो आंसर आता है इन सब में प्लस माइनस करके ये आंसर आया इक्वल। जैसे मैथ में जानते हैं ना जी कि सर x प्लस वाई प्लस जेड करके ये आया मान लीजिए अल्फा, तो ये इक्वल टू है, ये हम लोग को ये दिया हुआ है 3000, हमको निकालना है x, तो y और z को क्या करेंगे उस साइड ले जाएंगे, तो उस साइड अगर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इस मेथड से बनाइएगा तो फिर आपको इस ये जो फॉर्मेट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फॉर्मूला लिख के रखे हुए हैं, इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा मैथ के रूल के हिसाब से कि सर सब्सक्रिप्शन इनकम दिया हुआ है 3000, बाकी सारा आइटम दिया हुआ है तो इन सभी आइटम को इधर ले आइए, तो ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो जब हम लोग इसको इस साइड लाएंगे तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस है इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ओपनिंग एडवांस प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और क्लोजिंग एडवांस माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या निकल जाएगा फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, या फिर हम लोग बेस्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट से बना लीजिए सर, झमेला ही नहीं होगा, हम बोले ये भी कर सकते हैं आप। चलो अब बताओ ये जो आइटम है वो कहां कहां जाएगा। सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स है, क्यों एसेट्स है, क्योंकि सर सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो एसेट्स बनता है। एडवांस सर वो लाइबिलिटी है ओपनिंग बैलेंस शीट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो पैसा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा। क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स, और रिसिप्ट एंड पेमेंट 3040। तो ये हो गया हम लोगों का इलस्ट्रेशन नंबर 4। लिखिए आइए अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़े। इलस्ट्रेशन का नंबर है 5। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31st मार्च 2015। तो सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है किस साल के लिए, 2015। तो सर 2015 से जो पहले का साल होगा वो होगा ओपनिंग, और 2015 क्या होगा, क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन इन एरियर 31st मार्च 2014। तो सर ये ओपनिंग है, कितने रुपए का, 1500 रुपए का। तो लिख दें कि सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिख दिए, एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2014 1000। सर ये एडवांस है, कौन सा एडवांस है, ओपनिंग या क्लोजिंग। सर ये 14 लिखा है तो ओपनिंग का है, ओपनिंग का एडवांस क्रेडिट साइड। सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आप डेबिट में क्यों लिखे, क्योंकि वो एसेट्स है और एडवांस लाइबिलिटी है, तो एसेट्स कहां लिखते हैं, डेबिट साइड, लाइबिलिटी कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड। ये तो हम लोग जानते ही है कि हाँ सर हम लोग तो डेप्रिसिएशन पढ़े हैं, बैलेंस बीडी, एसेट्स का बैलेंस बीडी कहां आता था, डेबिट में, और सीडी कहां आता था, क्रेडिट में। लाइबिलिटी का बीडी कहां आएगा, क्रेडिट में, सीडी कहां आएगा, डेबिट में, वही लिख रहे हैं। आगे बढ़ो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 14, 15, 40,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना दिया हुआ है, 40,000। हम बोले ओके। फिर आए कुछ लिखा है सर, विच इंक्लूड, बोल रहा है ये जो 40,000 आपको मिला है इसके अंदर कुछ इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, 1000 2013-14 का,
एंड 1500 2015-16 का जो 40,000 रुपया हमको मिला है उसमें से 1,000 पिछले साल वाला का मिला है 13-14 का। पिछले साल कितना बाकी था 1500, पिछले साल का 1500 बाकी था, मिला कितना है 1000, तो पिछले साल का अभी भी कितना बाकी है 500 रुपया सर। तो सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में लिख दें कि 13-14 का अभी भी कितना बाकी है 500। कैसे आया? हम बोले भाई क्वेश्चन बोला है 40,000 रुपया हमको मिला, ये 40,000 जो मिला है उसके बारे में कुछ बोला, बोला ये 40,000 में 1,000 रुपया का सब्सक्रिप्शन आपको इसलिए मिला है क्योंकि पिछले साल के बकाया वाला आदमी आपको दिया है। तो हम बोले पिछले साल का बकाया कितना था? बोले 1500 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जबकि वो उसको देना चाहिए था 1500, दिया कितना है 1000। तो सर ओपनिंग वाला अभी भी 500 नहीं दिया है, तो वो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग अभी भी होगा। हम बोले हाँ, मेरा लाइबिलिटी, मेरा एसेट्स अभी भी है 500 का, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अभी भी बचा हुआ है 500 का, जो इस साल का भी आउटस्टैंडिंग बन जाएगा। फिर बोला 1500 1516 का मिल गया है, हम अभी 31 मार्च 15 को बुक्स बंद करेंगे, हमको कोई आदमी 16 का पैसा दे दिया, तो क्या ये एडवांस है? जी हां। कौन सा एडवांस है सर? क्लोजिंग एडवांस है। बात बन रहा है सर, आगे बढ़िए। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का। एक मिनट, कहां चला गया क्वेश्चन? आउटस्टैंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1000। तो सर ये क्लोजिंग का है, ये कौन से साल का होगा? सर 14-15, ये 40,000। क्या बैलेंसिंग फिगर इस बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा? जी हां, इसमें आएगा। चलो जोड़ो 42,500 माइनस कर दीजिए 3000, तो 39,500। आंसर को मैच कराइए सर, आंसर है 39,500, मैच कर गया। अब बताओ इसका कहां कहां कौन आइटम कहां कहां जाएगा? सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, ओपनिंग एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो पैसा आया है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम में बाय सब्सक्रिप्शन, उसके अलावा क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, और ये है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और जो सर सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है 40,000 वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। डेट को ठीक कर लीजिएगा, डेट है क्लोजिंग का 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2014। ये हुआ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 5। लिखिए, चलिए आज हम लोग क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आज हम लोग एनपीओ का रिसिप्ट एंड पेमेंट पे बात किए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे बात करना शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग अभी सिर्फ इनकम और एक्सपेंस के बारे में बात किए हैं और उसमें हम लोग सब्सक्रिप्शन को डील कर लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक बड़ा टॉपिक है, इस पे हम लोग को एक क्लास और लगेगा, और हम कैसे पढ़ाएंगे, कुछ कुछ चीजें सिखाते चलेंगे और उससे रिलेटेड कुछ कुछ प्रैक्टिकली बनाते चलेंगे, ताकि हम लोगों को ऐसा ना लगे कि सिर्फ थ्योरिटिकल डिस्कशन चल रहा है, जो डिस्कशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड सवाल भी हम लोग बनाते चल रहे हैं। तो आज जो पढ़ाए हैं उसको आराम से बैठ करके क्लास करना है, और खुद से जाकर के जो सवाल हम खुद बनाए हैं बोर्ड पे उसको खुद से भी ट्राई करना चाहिए घर में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, फिर कुछ सवाल बनाएंगे, ऐसे करते करते लगभग 4 क्लासेस लगेंगे और हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखिए,